हे गाइस, व्हाट्स अप, देख रहे हैं पब्लिक गैराज। जो आज हमारी गाड़ी होने वाली है, जो आज हमारी गाड़ी रहेगी वो रहेगी मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस वेरिएंट है ये, जो आपको दिल्ली में ऑन रोड पड़ जाता है 9,95,000 का पड़ जाता है। बहुत ही वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, इसके अंदर आपको मोर देन अबव फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। कहीं ना कहीं मोटा मोटी आप इसे कमा सकते हैं कि 10 लाख का आपको ये जो मॉडल है वो मिल जाएगा ऑन रोड न्यू दिल्ली में। बाकी इसके मैं आपको एक बार 360 डिग्री लुक दिखाता हूँ। काफ़ी लोगों को ये रखता था भाई मारुति सुजुकी में यार बहुत सारे अब फीचर्स ऐड ऑन करने चाहिए, थोड़ा लुक्स पे एनहेंसमेंट करना चाहिए। तो गाड़ी को लेके बहुत सारी चीज़ें, जैसे ग्रैंड विटारा हो गई, आपकी फ्रॉन्क्स हो गई, तो बहुत चीज़ें ऐड ऑन करी हैं, चाहे वो फीचर्स हो या आपका लुक हो। तो आप देख सकते हैं लुक कितनी ज़बरदस्त कर दी है गाड़ी की, और जो भी अपकमिंग गाड़ियाँ हैं जैसे आप इसको। तो भाई अब इस गाड़ी की मैं अगर डायमेंशन की बात करूँ तो अगर मुझे विड्थ मिलती है, इस गाड़ी को मिलती है हमें 1760 mm की, हमें इसमें विड्थ देखने को मिल जाती है। और मैं इसकी लेंथ की बात करूँ तो ऑलमोस्ट हमें 4000 mm की हमें इसमें लेंथ देखने को मिल जाएगी। 3995 इसमें mm देखने की इसमें लेंथ देखने को मिल जाएगी। और जो व्हील बेस है वो रहेगा आपका 2520 का। ग्राउंड क्लियरेंस जो रहने वाला गाड़ी का वो रहेगा 190 mm का, जो कि बहुत अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है। इस सेगमेंट में आपको बहुत अच्छा 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। बाकी मैं हाइट की बात करता हूँ तो इसमें आपको 1550 की आपको इसमें हाइट देखने को मिल जाएगी। डायमेंशन में ऑल ओवर गाड़ी भाई बहुत अच्छी है, एक प्रॉपर आपको ना जैसा होता है मिड SUV या प्रॉपर SUV भी कह सकते हैं आपको। जब आप देखेंगे इसे प्रैक्टिकल देखेंगे तो एक लंबी चौड़ी का गाड़ी आपको ये मज़ा देने वाली है। बाकी फीचर्स भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। अभी मैं करता हूँ इसकी फ्रंट से बात। तो भाई देखो, फ्रंट में तो यहाँ पे आपको मिल जाती है ग्रिल, यहाँ पे आपको सुजुकी का आप देखेंगे ना, यहाँ पे सुजुकी जैसे कुछ शेप दे रखी है, बीच में सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। ये पूरी आपको मिल जाती है DRLs, और नीचे आपको मिल जाता है ट्रायो में LED हेडलैम्प्स। बाकी मैं इसको आपको चला के दिखाता हूँ एक बार। तो भाई इसमें आपको पूरा ही फ्रंट से ना LED सेटअप देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका लोअर बीम्स के लिए, अपर वाला आपका जो ट्रायो हेडलैम्प्स है वो आपका रह जाएगा हाई बीम के लिए। बाकी रेगुलर वाइपर इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, एंड जो एरोडायनामिक्स है ना गाड़ी के वो भी बहुत अच्छे हैं, जो हम जिनको हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कैरेक्टर लाइंस, बहुत डिसेंट मिलेंगी आपको गाड़ी के अंदर। जो रोड प्रेजेंस आने वाला है भाई वो बहुत अच्छा रहने वाला है, एक मस्कुलर सा आपको रोड प्रेजेंस देगी गाड़ी, बहुत ही अच्छा फील कराएगी। बाकी नीचे आपको मिल जाती है इसमें स्किड प्लेट, और नीचे होगी रेडिएटर ग्रिल। एंड मैं साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो इसमें आपको ये सारे व्हील आर्च देखने को मिल जाएंगे, बहुत अच्छे हैं। एंड फ्रंट आपको मिल जाएंगे इसमें अलॉय व्हील्स, एंड फ्रंट में आपको डिस्क मिल जाएंगे, एंड रियर में आपको मिलेंगे इसके ड्रम ब्रेक्स। जो सस्पेंशन यूज़ हुआ है इस गाड़ी का फ्रंट का वो रहेगा इसका मैकफेरसन का, और जो रियर का सस्पेंशन हो रहेगा हमारा ट्विस्ट बीम का। और इसका आप देखो सस्पेंशन ट्रेवल, भाई सस्पेंशन ट्रेवल बहुत अच्छा है गाड़ी का। इट मींस आपको कहीं भी कोई झटके वगैरह इसमें गाड़ी में ज़्यादा कोई फील नहीं होंगे, जस्ट बिकॉज की सस्पेंशन ट्रेवल इज़ गुड। एंड जो इसकी बेल्ट लाइन है, ए पिलर, बी पिलर एंड सी पिलर सारे ही ब्लैक्ड आउट है। पीछे आपको इसमें देखने को मिल जाएगा क्वार्टर ग्लास, जो कि अंदर से गाड़ी को थोड़ा सा एयरी जैसा फील कराएगा। इंटीग्रेटेड रूफ रिल्स मिल जाएंगे आपको देखने में, जो कि पूरी ब्लैक मिलेंगे आपको। बॉडी कलर में ORVM विद अ टर्न इंडिकेटर, एंड नीचे कुछ पडल जैसे देखने को नहीं मिलता। बॉडी कलर में डोर हैंडल्स मिल जाएंगे, रिक्वेस्ट सेंसर इसमें आपको देखने को नहीं मिलता। बाकी ये पूरी साइड से इसकी प्रोफाइल ऐसी बहुत ही अच्छी है, साइड से आपको लंबी चौड़ी तो फील होगी होगी डेफिनेटली, अगर आप इसके पास खड़े होंगे। और इस प्राइस में, इस सेगमेंट में आपको बहुत अच्छी गाड़ी ऑफर करती है डायमेंशंस। ये हमारी होगी इसकी रियर की लुक। तो भाई रियर की लुक में इसमें आपको कनेक्टेड टेल लैंप्स, एक बार मैं देखता हूँ इसमें रियर में आपको टेल लैंप्स मिलते हैं कनेक्टेड या नहीं। तो कनेक्टेड टेल लैंप्स में नहीं मिलेंगे, इससे अपर मॉडल में आपको मिल जाएंगे। बट कनेक्टेड टेल लैंप्स का यार आजकल तो फैशन चल गया है कि पीछे से आपको जो रियर टेल लैंप्स मिलती है वो कनेक्टेड मिलती हैं। बाकी जो आपकी इसकी रियर की लैंप्स मिलेंगे ना, वो बहुत ही अच्छे LED शेप में मिलेंगे, जो कि आपको इसमें ब्लैक पियानो फिनिश में कवरेज मिलेगी पूरी। और जो इसका रिवर की पार्किंग लाइट रहेगी वो रहेगी व्हाइट कलर में। पीछे फ्रॉन्क्स की बैजिंग, सुजुकी का लोगो, डिफॉगर मिल जाएगा, इंटीग्रेटेड हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाएगा आपको इसमें, और शार्क फिन एंटीना। बाकी यहाँ पे आपको नीचे रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे, रियर के आपको पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे 4, एंड ये स्किड प्लेट, एंड नीचे का आप देखो ग्राउंड क्लियरेंस है ना बहुत ज़बरदस्त, 190 mm का यार बहुत अच्छा खासा इसमें ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा आपको। बाकी इसका ट्रंक मैं ओपन करता हूँ, रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा ट्रंक ओपन करने के लिए। एंड जो इसमें आपको बूट स्पेस मिलेगा ना वो मिल जाएगा, 308 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा, तो अच्छा खासा आपको इसमें स्पेस मिल जाएगा, अच्छा खासा आप लगेज इसमें कैरी कर सकते हैं। बाकी जो मैं देख पा रहा हूँ शायद इसमें 60-40 भी स्प्लिट सीट आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड ये आप देखिए यहाँ से काफ़ी डीप है यार, तो इसमें आपको 308 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा। इसका स्पेयर व्हील आपको मिल जाता है यहीं इसी के नीचे, और ये होगी पार्सल ट्रे। बाकी हम आगे से देखते हैं इसमें आपको 60-40 स्प्लिट सीट मिलती है या नहीं मिलती। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बतानी भूल गया, इसकी टायर साइज। तो भाई जो टायर प्रोफाइल रहने वाली रहेगी हमारी 195/60R16 16 inches के, इसमें आपको अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे विद अ ब्लैक पियानो फिनिश के साथ, सारा ही इसका जो कलर मिल जाएगा आपको अलॉय व्हील्स का पूरा इसमें ब्लैक फिनिश में ही कवर मिल जाएंगे पूरे। बाकी ये होगी ओवरऑल बाहर से पूरी चीज़ें, अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ अंदर से। अंदर से भी यार बहुत गाड़ी प्रीमियम लगती है, जो इसका इंटीरियर है ना बहुत ज़बरदस्त है। बाकी आप ये देखो डोर ट्रिम 80 डिग्री तक ही ओपन हो जाता है, एंड जो डोर थर्ड है
इट ऑल्सो साउंड्स नाइस। बाकी देखो आप इंटीरियर, इंटीरियर बहुत अच्छा है इसमें, आपको जैसे ही आप अंदर बैठोगे तो प्रीमियमनेस ज़रूर फील होने वाली है। बाकी चलते हैं अंदर और इसको करते हैं एक्सप्लोर। भाई एक चीज़ मैंने क्या देखी ना, मैं जैसे ही बैठा ना इस गाड़ी के अंदर तो मुझे बड़ा कंफर्टेबल सीट इसकी फील हुई है। बाकी यार ये देखो भाई, चार कलर आपको इसमें देखने को मिलते हैं, डैशबोर्ड का ब्लैक, ये आपका सिल्वर साटन, ये ब्राउन, ये ब्राउन हो गया और ये डार्क ब्राउन हो गया। मतलब चार कलर्स का जो मिक्सचर दे रखा है ना भाई, अंदर से गाड़ी को बनाना है बहुत प्रीमियम। बाकी ब्राउन कलर बोल लो या टैन कलर बोल लो, और बाकी देखो सेटिंग में भी ना ब्लैक और आपका ब्राउन में जो शेड दे रखा है ना यार, बहुत अच्छा प्रीमियम फील करा रहा है गाड़ी के अंदर। बाकी आप एम्बियंस फील करा रहा है गाड़ी का, बहुत ज़बरदस्त है। इसकी जो की मिलती है हमें रेगुलर जैसे हर गाड़ी में देखने को मिलती है मारुति की, लॉक और अनलॉक। बाकी करते हैं इसको हम ऑन और करते हैं इसके कुछ फीचर एक्सप्लोर। उससे पहले भी मैं आपको इसका सीटिंग बताऊं तो हाइट एडजस्टमेंट इसमें आपको सीट देखने को नहीं मिलती, इसे अपर वेरिएंट में देखने को मिलती है। बाकी इसमें आपको ऑल फोर पावर विंडोज मिल जाएंगी, यहाँ पे आपकी ड्राइविंग साइड में वन टच डाउन एंड वन टच अप एंटी पिंच के साथ, अनलॉक लॉक करने के लिए चाइल्ड लॉक, और आपका ये ओआरवीएम सेटिंग एडजस्ट करने के लिए, बाकी ये फोल्ड और अनफोल्ड करने के लिए ओआरवीएम बाहर के। बाकी ये टू टू क्यों कर रही है भाई पीछे, क्योंकि थोड़ा सा जगह कम है उसकी वजह से टू टू कर रही है, इग्नोर करेंगे इस साउंड को। बाकी इसमें आपको मिल जाता है ऑटो ऑफ का फीचर, ऑटो ऑफ का फीचर मिल जाता है, ये ट्रैक्शन कंट्रोल एंड हेडलाइट्स की विजिबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। बाकी आप देखो यार डोर हैंडल्स ब्लैक कलर के हैं, लेकिन इसकी जो आउटर की कवरेज दे रखी है ना बहुत प्रीमियम बना रखी है गाड़ी, तो नो डाउट आपको प्रीमियम अंदर से फील होगी, डेफिनेटली होगी। बाकी आपको मिल जाता है डेमिस्टर एंड ये हो गया हमारा स्टेयरिंग, हम इसको चेक करते हैं। इसमें सिर्फ आपको मिलता है टिल्ट, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता। एंड ये आपका हो गया ऑटोमेटिक हेडलाइट्स में आपको देखने को मिल जाएंगे, एंड ये आपका हो गया वाइपर्स के लिए, एंड ये हो गया इसका पूरा एनालॉग डिजिटल मीटर। बीच में एमएडी स्क्रीन मिल जाएगी जिसमें कि आपको सारे ही ऑप्शन और फीचर्स मिलेंगे, लाइक रेंज टू एम्प्टी, एवरेज एंड कूल एंड हॉट का ऑप्शन जो है, तो इसमें आपको आरपीएम रीडिंग वगैरह स्पीड सब देखने को मिल जाएगी। बाकी यहाँ से आप इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं एवरेज देखने के लिए, ट्रिप सेट करने के लिए। एंड यहाँ पे आपके मोड्स हो गए इंफोटेनमेंट सिस्टम के, यहाँ से म्यूट का ऑप्शन, ब्लूटूथ, वॉइस कमांड, फोन कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने के लिए। बाकी मैं इसकी सेंटर कंसोल की बात करूँ तो भाई सेंटर कंसोल में आप ये देखिए, इसमें मुझे मिल जाता है 7 inches का इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसके अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले, इंटीग्रेटेड 2D ऑडियो, फ्रंट के स्पीकर, रियर के स्पीकर, चार स्पीकर आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, मोर देन अबव फीचर आपको इसमें सारे देखने को मिल जाएंगे। और मैं इसकी अगर टच की बात करूँ ना तो टच भी भाई बहुत अच्छा है, ठीक है, स्मूथनेस बिल्कुल फील होने वाली है एकदम। बाकी इसमें आपकी हो गई हजार्ड पार्किंग लाइट हो गई, एसी वेंट्स एंड ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। बाकी इसमें भाई ग्लोव बॉक्स देखने को मिल जाएगा हमारा, ठीक है, अच्छी खासी इसमें स्पेस देखने को मिल जाएगी। एंड ये आपका हो गया आरवीएम रियर का, सनशेड यहाँ मिल जाएगा, एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा वैनिटी मिरर के साथ, ये आपका हो जाएगा भाई हेलोजन बल्ब में आपको रूफ लैम्प मिल जाएंगे दोनों ही साइड, एंड रियर का आपका ये मिल जाएगा यहाँ पे। बाकी ऑटोमेटिक इसमें ट्रांसमिशन आपको देखने को मिल जाएगा, रिवर्स, न्यूट्रल, मैनुअली भी आप इसको कर सकते हैं और ड्राइव मोड ऑटोमेटिक भी आप इसमें चला सकते हैं। बाकी हैंड ब्रेक मिल जाएंगे और 3-point सीट बेल्ट भाई इसमें देखने को मिल जाएगी पीछे आपको। बाकी सेटिंग कम्फर्ट यार बहुत अच्छा है, सेटिंग कैपेसिटी जो है ना बहुत कम्फर्टेबली होकर मैं बैठा हूँ इस गाड़ी के अंदर। बाकी डेड पेडल आपका ये वो भी बहुत अच्छे से मुझे अच्छा मिला हुआ डेड पैडल जिसमें अपना लेफ्ट लेग में कंफर्टेबली रोके रख सकता हूँ। बाकी हम चलते हैं रियर में, देखते हैं कि हमें कितना स्पेस मिलता है। मेरी हाइट है 6 feet, मैं इसको पूरा ही एडजस्ट करता हूँ पीछे एंड देखते हैं हमें पीछे हमारा नी रूम कैसा मिलता है। तो भाई देखो नी स्पेस बहुत ज़बरदस्त मिला है, मैंने 6 feet की अपनी अब मेरी हाइट है उसके हिसाब से मैंने सीट एडजस्ट कर रखी है, जब भी देखो कितना स्पेस मुझे मिल रहा है, हेड स्पेस हेड रूम बहुत अच्छा मिलता है। बाकी क्वार्टर ग्लास के हिसाब से भाई मुझे हमेशा गाड़ी में ऐसा लगता है जिसकी वजह से ना अंदर से थोड़ा एयर जैसा फील होता है, कुछ ऐसा सफोकेशन जैसा फील नहीं होता, पर्सनली मेरा ओपिनियन है। बाकी बीच में आपका ये हो गया हम्प एंड तीनों ही आपको जो पीछे के हेडरेस्ट मिलने वाले हैं, हाइट एडजस्टेबल वाले मिलने वाले हैं। बाकी फील करो यार गाड़ी की प्रीमियमनेस बहुत अच्छी लग रही है यार, अंदर से तो बहुत प्रीमियम बनाई है गाड़ी। बाकी अगर मैं इसके सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ तो इसमें आपको ABS विद EBD मिल जाता है, क्रैश सेंसर मिल जाता है, इंजन इमोबिलाइजर मिल जाता है, हिल असिस्ट मिल जाता है, 3-pin आपको यहाँ पे पीछे सीट बेल्ट मिल जाती है, आइसोफिक्स सीट मिल जाती है, और बहुत अच्छे खासे आपको इसमें सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी भाई अब इसकी हम करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन की बात, और फ्यूल कैप भी खोलने का ऑप्शन आपको यहीं से मिल जाएगा। तो भाई ये है मारुति फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस के इंजन प्रोफाइल कुछ ऐसी, जो कि इसमें आपको इंजन डिस्प्लेसमेंट मिल जाती है 1.2 cc का, इसमें आपको इंजन डिस्प्लेसमेंट मिल जाती है जो प्रोड्यूस करता है 88 bhp विद 130 Nm का टॉर्क, 4 cylinders में आप देखने को मिल जाएंगे। फ्यूल टाइप जो रहेगा हमारा वो रहेगा भाई पेट्रोल का, फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें आपको मिल जाती है 37 liters की। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको इंसुलेशन मैट भी देखने को मिल जाएगा जिससे की तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं जो NVH लेवल होने वाले हैं गाड़ी के बहुत अच्छे रहेंगे, अंदर से आपको कोई भी नॉइज नहीं होगी। और वैसे मैं आपको बता दूं मैकफेरसन का इसमें सस्पेंशन है, मैकफेरसन पर्सनली मैंने 170 की स्पीड में फील कर रखा है, तो आपको इसमें वाइब्रेशन भी कुछ ऐसी फील नहीं होने वाली डेफिनेटली। बाकी जो कंपनी क्लेम कर रही हो भाई वो क्लेम कर रही है 21.5 का माइलेज, कहीं ना कहीं आपको लोकल सिटीज़ में 16-17 का देगी, हाईवे पे आपको इसमें 20-22 वो आप पे डिपेंड करता है कि आप गाड़ी कैसे चलाएंगे।
तो उसमें गाड़ी बहुत अच्छा एवरेज आपको देख मिल जाएगा। और जैसे कि आपको पता है मारुति सुजुकी भाई एवरेज बहुत अच्छा देते हैं, इंजन बहुत अच्छा होता है, इंजन रिलायबल होते हैं, और दूसरा मेंटेनेंस फ्री गाड़ियाँ होती हैं। बाकी जो इसका एमिशन नॉर्म कॉम्प्लेक्स रहेगा वो रहेगा हमारा BS6 का 2.0। बाकी ये थी यार मारुति फ्रॉन्क्स से रिलेटेड कुछ हमारी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड काफ़ी ये डिमांडिंग भी गाड़ी है, बहुत ज़्यादा बुकिंग्स भी आ रही है इस गाड़ी को लेके। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और मुझे कमेंट में जरूर बताना कुछ अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ पूछना हो तो मैं कमेंट में उसका मैं रिप्लाई कर दूँगा, या आप मुझे DM कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। एंड कमेंट में ये जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो हम किस पे शूट करें, डेफिनेटली उसका भी रिव्यू हम जल्दी लेके आएंगे। तो आई होप आपको रिव्यू पसंद आया होगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी गाड़ी के साथ, अच्छे कॉन्टेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।